हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जी इंटरटेनमेंट शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी स्टॉक में आज के दिन लगभग 2% की हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। क्या ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, इस पर हम करेंगे चर्चा और आपको बताएंगे फ्रेश एंट्री के लेवल, टारगेट और स्टॉप लॉस। फ्रेंड, यहाँ पर फिर से एक बार स्टॉक 200 रुपए के आसपास आ चुका है जहां पर पहले सपोर्ट लिया था। यहां से यदि स्टॉक में फिर तेजी आती है तो क्या टारगेट यहां से हमें रखने चाहिए। सबसे बड़ी बात जो चिंता का विषय स्टॉक में निकल कर के आ रहा है वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। इसके फंडामेंटल पे लेकर चलता हूं। यहां पर आप देखिएगा इसके प्रॉफिट लॉस को अगर डिस्कस किया जाए तो यहां पर हमें किस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। यहां पर आप देखिएगा यहां पर जो नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो 625 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, फिर 591, 717, 890, 972 करोड़, 824 करोड़, लेकिन बढ़ करके 2220 करोड़। ये देखिए यहां पर अच्छी बढ़त दिखाई दी लेकिन फिर कम हुआ, 1478 करोड़, 1567, 525, अचानक बहुत ज्यादा कम हुआ, फिर 793, 956, अभी चल रहा है 426। मतलब फ्लक्चुएशन जो है नेट प्रॉफिट का वो यहां पर क्लियरली देखने को मिल रहा है। और इस फ्लक्चुएशन के अंदर आप देखेंगे तो 426 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था लास्ट, यहां पर बात हो रही है लास्ट ईयर की। तो फिर यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे इस स्टॉक में क्या रणनीति रखनी चाहिए। तो यहां पर आप देखिए जिस तरह से प्रॉफिट कम हो रहा है उस तरीके से स्टॉक थोड़ा सा वीक तो हो रहा है लेकिन यहां पर प्रॉफिट तो फ्लक्चुएशन है। यहां पर यदि प्रॉफिट फिर से बढ़ेगा डेफिनेटली स्टॉक में आपको फिर तेजी दिखाई देगी। अब आप यहां पर देखिएगा हम जिस चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा चार्ट है, यह डे क्रैश पैटर्न चार्ट। यहां पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप यहां पर देखिएगा 200 रुपए पे इसके पहले सपोर्ट लिया स्टॉक ने, यहां पर ये देखिएगा, और वहां से अब तेजी आई। स्टॉक कहां तक की तेजी दिखाता है, 280 रुपए तक की। ये देख सकते हैं आप 280 रुपए तक जाने के बाद फिर से स्टॉक में हुई गिरावट और एक बार स्टॉक ने क्या किया, यहां पर 200 रुपए के लेवल को तोड़ा है और ब्रेक डाउन किया। ये देखिएगा यहां तक तो स्टॉक गिरता है और गिर करके ब्रेक डाउन, और ये ब्रेक डाउन स्टॉक को कहां तक ले गया, लगभग लगभग यहां पर आप देखेंगे 177 रुपए तक की हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट में बाइंग आई और यहां पर आप देखेंगे फिर से स्टॉक 200 पे जाता है, जहां पर सपोर्ट लिया गया था वहां पर रेजिस्टेंस फेस करके एक हल्की गिरावट आपको फिर से दिखाई दी। ये देखिएगा फाइनल स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। यहां पर हमने देखा 200 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर गया, कहां तक, 220 रुपए तक। ये देखिएगा 220 रुपए तक जाने के बाद स्टॉक में आपको फिर से गिरावट देखने को मिली है। यहां पर अगर हम बात करें तो 220 रुपए अब रेजिस्टेंस बन चुका है जो कि इसके पहले सपोर्ट भी बना था। ये देखिए यहां पर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला था, अब यहां से स्टॉक गिर करके फिर से 200 तक आ रहा है। लेकिन यहां पर अलर्ट रहना होगा, कारण समझिएगा, यहां पर अगर आप बाइंग करते हैं तो स्टॉक यदि इस वाले लेवल को फिर तोड़ेगा तो एक बार फिर कहां तक जा सकता है, 175 रुपए तक। इस बात को आपको बिल्कुल जानकारी में रखना होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं 200 रुपए के प्राइस पॉइंट पे स्टॉक बुरा नहीं है, स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर यदि ब्रेक डाउन होता है तो क्या स्टॉप लॉस रखा जाएगा, तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा रहने वाला है, 175 रुपए तक का आपको स्टॉप लॉस यहां पर रखना होगा यदि आपने यहां पर बाइंग किया है या फिर बाइंग की सोच रहे हैं। तो क्या रहेगा टारगेट, तो फिर देखिए यदि लॉन्ग टर्म हम यहां पर सोचते हैं तो टारगेट एक बार फिर आपको बहुत जल्दी यहां पर 280 तक दिखाई देगा। लेकिन हम यहां पर डायरेक्टली 280 का टारगेट नहीं रखने वाले, हम यहां पर दो टारगेट रखेंगे। हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो यहां पर निकल करके आ रहा है 240 रुपए का। ये देखिएगा 240 का टारगेट इसलिए क्योंकि जो रेड कलर की लाइन है यह 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन जो कि 234 के आसपास निकल करके आ रही है, और यहां से स्टॉक अगर ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जो अगला टारगेट है वो 280 रुपए तक का हम यहां पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड दो टारगेट मैंने यहां पर आपको बता दिए, पहला टारगेट 240 50% क्वांटिटी यहां पर बुक करेंगे, बची क्वांटिटी जो 50% है वो 280 पे बुक कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए एंट्री उसी कंडीशन पे करेंगे यहां पर नीचे 175 रुपए का स्टॉप लॉस यदि आप रख सकते हैं तो, या फिर आप लॉन्ग टर्म एंट्री कर रहे हैं तो कोई भी स्टॉप लॉस ना रखते हुए एंट्री करें। तो लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम 3 से 5 साल होल्ड करें, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिटर्न यहां पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं 280 रुपए का टारगेट है वो जल्द ही अचीव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है आने वाले 6 महीनों में आपको यहां पर 280 तक स्टॉक यहां पर जाता हुआ दिखाई दे। तो यदि आप यहां पर शॉर्ट टर्म एंट्री करना चाहते हैं तो 175 रुपए का स्टॉप लॉस रख करके ऊपर की तरफ दो टारगेट 240 और 280 को मेंटेन करते हुए यहां पर ट्रिक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस स्टॉक के बारे में एनालिस्ट की राय क्या निकल करके आती है। तो यहां पर आप देखिए सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यहां पर आप देख सकते हैं कि 86% एनालिस्ट की राय यहां पर निकल करके आती है, 21 एनालिस्ट की कवरेज है,
ये देखिएगा 21 एनालिस्ट इस पर कवरेज कर रहे हैं, जिसमें से 86% आपको सजेस्ट करते हैं बाइंग के लिए, मतलब स्टॉक का पोटेंशियल बुलिश है, डेफिनेटली स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फ्रेंड ये था हमारा टेक्निकल व्यू जी एंटरटेनमेंट शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।